काली निमोलॉजी, जैसे मैंने बोला, द फादर ऑफ निमोलॉजी इज बीन कॉल्ड एज पाइथागोरियंस, पाइथागोरियन निमोलॉजी। जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने निमोलॉजी का एक प्रकार से फादर है बोले जाते हैं। निमोलॉजी का इजाद तो ऑब्वियसली हिंदुस्तान से होता है, जैसा ये सब अपनी अपनी बुक्स में लिखते हैं, राइट। सो वी बीन कंसिडर्ड दैट इंडिया इज द ऑनर ऑफ द निमोलॉजी, और आविष्कार जिसने किया, इनिशिएशन जिसने किया, दैट्स द इंडिया। सो दैट्स निमोलॉजी इज बीन डिजाइन, वन ऑफ द निमोलॉजी एंड इंपॉर्टेंट निमोलॉजी वर्ल्ड को जो दी है वो पाइथागोरस निमोलॉजी के तरीके से दी गई है। पाइथागोरस निमोलॉजी के अंदर उन्होंने एक सिस्टम बनाया, हर अल्फाबेट को एक संख्या दी और उन्होंने बड़ा सिक्वेंशियल फॉर्म में दे दी उस संख्या को। जैसे ए से लेके जेड तक की संख्या है, 9 नंबर है टोटल में, 9 नंबर को ए से लेके जेड तक में उन्होंने डिवाइड कर दिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी करके एक से लेके सीरीज में दे दिया। वो हम देखेंगे, वो भी हम समझेंगे, पाइथागोरस निमोलॉजी के कुछ अंश हम करेंगे अपने समझ। उसके बाद अगला आता है चैलेडियन निमोलॉजी। चैलेडियन निमोलॉजी, चैलेडियन जैसे बताया था मैंने, जो चारों थे वो उनके नाम पे निमोलॉजी पड़ी। तो वो हिंदुस्तान में आके जब रहे उन्होंने अभी उन्होंने इसका ग्रैंड किया, उन्होंने और ज़्यादा इसके ऊपर R&D करी, रिसर्च किया और एक डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स को जनरेट करते हुए उन्होंने इस चैलेडियन निमोलॉजी का आविष्कार किया, जो कि एक बेसिकली मिस्ट्रिक निमोलॉजी के नाम से जानी जाती है और ये एक साउंड वाइब्रेशन पे काम करती है। जैसा कि पाइथागोरस ने पुरानी सभ्यता निमोलॉजी जो चल रही थी उन्होंने उसको बदलाव लाए उसमें, और उन्होंने हर नंबर को एक अल्फाबेट के साथ कनेक्ट किया, लेकिन उसकी वाइब्रेशन के अनुसार कनेक्ट किया। अब वो वाइब्रेशन उन्होंने कैसी महसूस करी, दैट ही नोज बेस्ट, लेकिन उन्होंने हर नंबर को वाइब्रेशन के साथ महसूस किया और उसके साथ ही उसकी कनेक्टिविटी कर दी। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि एक से लेकर 9 तक की गिनती लिखी और ए बी सी डी ई एफ जी एच से लिखना शुरू कर दिया और उसको डिवाइड कर दिया, इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये इन्होंने डिफरेंट तरीके से नंबर असाइन किया हर अल्फाबेट को, विच इंडिकेट्स अ वेरी पावरफुल रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन, कंपन और साउंड का उन्होंने एनर्जी का इन्होंने फील फैक्टर को क्रिएट करने की कोशिश करी, जहां से इसका रूपांतर होता है पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी का और एक थोड़ी बेटर न्यूमरोलॉजी की फॉर्मेट हमें मिला। उसके बाद फिर एक निमोलॉजी आती है जिसको बोलते हैं कबाला निमोलॉजी। एक्चुअली कबाला निमोलॉजी जो है यहूदी धर्म से बना है और उसी से विकसित हुआ है। यहूदी धर्म में जो बना उनके जो अक्षर हैं उनके, उस अक्षर को उन्होंने भी अपने उनके जो अपने स्वर हैं, उनके जो भाषा के अपने स्वर हैं, उन स्वरों को कन्वर्ट किया उसके नाम से और उसकी साउंड से, और उससे उन्होंने उस नाम और साउंड के बेस पे कबाला निमोलॉजी की इजाद किया। दैट इज एक्चुअली अनदर चेंज फॉर्म ऑफ पाइथागोरियन निमोलॉजी, कबाला निमोलॉजी। आजकल बहुत प्रसिद्ध चल रही है ये निमोलॉजी, बट इट इज अनदर काइंड ऑफ समथिंग इज बीन रिलेटेड टू द चैलेडियन निमोलॉजी। सो दिस इज अ कबाला निमोलॉजी। जिस कबाला निमोलॉजी को हम अपने इस जर्नी में ज्यादा टच नहीं करेंगे, बट पाइथागोरियन और चैलेडियन निमोलॉजी के ऊपर हम अपना सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। नाउ देयर इज अनदर निमोलॉजी कॉल्ड चाइनीज निमोलॉजी, जिसको लोशुग्रिड के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोगों ने काम किया होगा इस निमोलॉजी के ऊपर, बहुत प्रसिद्ध निमोलॉजी है, गूगल पूरा भरा पड़ा है लोशुग्रिड के नाम से। ये लोशुग्रिड निमोलॉजी करीब 4000 साल पहले इसका जन्म हुआ। इसकी अपनी एक स्टोरी है, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उस स्टोरी को भी देखते हैं। बट 4000 साल पहले जब इसका जन्म हुआ तो लोशुग्रिड एक स्क्वायर के रूप में जो डिस्कवर हुआ, तो उससे एक लोशुग्रिड चाइनीज न्यूमरोलॉजी की स्थापना हुई और वहां से ये प्रसिद्ध हुई और उसके आगे ये बढ़ती चली गई, जो संसार में फैली हुई है और हिंदुस्तान में भी बहुत प्रसिद्ध न्यूमरोलॉजी के नाम पे ये चलती है लोशुग्रिड न्यूमरोलॉजी। इन आवर जर्नी वी विल डीपली गो इन टू द चाइनीज न्यूमरोलॉजी लोशुग्रिड न्यूमरोलॉजी, वी विल डीपली गो इन टू द चैलेडियन न्यूमरोलॉजी, वी विल touch on the pythagorean numerology, we will not do much on the kabbalian numerology. in char ke baad agli aata hai vedic numerology, indian vedic numerology. indian vedic numerology hindustan ki apni numerology, jisko kai baar kai jagah pe tamil numerology ke naam se bhi likha gaya. ye numerology bharat varsh ki apni vedon se nikli hui sankhya, vedon ke shastra ved shastra se nikli hui sankhya,
और इसके ऊपर हमने पीछे कोर्स किया भी था जहाँ पे अंग कुंडली के नाम से हमने काम किया था, और आने वाले टाइम में भी हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के नाम से प्योर वैदिक न्यूमरोलॉजी हम करेंगे, दैट विल नॉट बी पार्ट ऑफ दिस न्यूमरोलॉजी एज ऑफ नाउ, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे यंत्र मंत्र हम इसमें करते हैं, यंत्र मंत्र के ऊपर भी काम करते हैं। और जो हमने अपनी पिछली जो न्यूमरोलॉजी का सब्जेक्ट किया था अंक कुंडली, अंकों के माध्यम से हमने कुंडली बनाई थी जिसके अंदर हमने पूरा वैदिक प्योर वैदिक न्यूमरोलॉजी में काम किया था, और उसके उपाय भी पूरे अंक यंत्र बेस्ड है, अंकों के यंत्र बनाए थे और उसपे सीखा था हमें, दैट इज एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन दैट न्यूमरोलॉजी दैट वी डिड इट एंड वी विल डू अगेन। आई एम नॉट अंक कुंडली बट अंक वैदिक शास्त्र वो हम करेंगे आगे, इसका भी का वो पार्ट हमारा नहीं है। अगली एक और न्यूमरोलॉजी आती है जो अरेबिक न्यूमरोलॉजी के नाम से प्रसिद्ध है, उसको बोलते हैं अबजाद, अबजाद न्यूमरोलॉजी। अबजाद न्यूमरोलॉजी में भी यही हुआ कि जो उनके अरेबिक नोटेशंस थे उन्होंने अपने तरीके से उन अरेबिक अल्फा लेटर्स को इनिशिएट करके उनकी साउंड से वाइब्रेशन को क्रिएट करके उन्होंने अपने नंबर दिए, और जो उससे उस तरीके से उन्होंने अरेबिक न्यूमरोलॉजी बनाई जो अबजाद के नाम से प्रसिद्ध है, बट इतनी ज्यादा फेमस अभी इंडिया में नहीं है और इतना ज्यादा इसका चलन भी इतना नहीं है। कौन न्यूमरोलॉजी है, आप भी सोचोगे इतने सारे न्यूमरोलॉजी के तरीके हैं तो कौन सा न्यूमरोलॉजी करेंगे, कौन सा छोड़ेंगे, लॉट ऑफ वेस्ट, राइट। सो एक और न्यूमरोलॉजी है उसको बोलते हैं हर्बियू न्यूमरोलॉजी, आई डोंट नो कितने नाम भी सुना होगा हर्बियू न्यूमरोलॉजी। तो हर्बियू न्यूमरोलॉजी जो है ये गिमेट्रिया एक साइंस उसके हैगा उसके द्वारा ये उत्पन्न हुई, और जिसका अभी बहुत ज्यादा हर्बियू लेटर्स को कन्वर्ट करके इन्होंने ये न्यूमरोलॉजी का इंग्लिश में कन्वर्ट करके फिर से बनाया, जिसका अभी बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं आता और बहुत ज्यादा ये चलन में भी नहीं आती है। तो नाउ वी लेट्स कम बैक टू दी अवर जो हमारे को करना है मेनली चैलेडियन न्यूमरोलॉजी और पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी जिसके ऊपर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। तो वाई पाइथागोरियन और वाई चैलेडियन, चैलेडियन न्यूमरोलॉजी या पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में मेजर अंतर अंकों की नंबरिंग का है, जो अल्फाबेट्स है और जो अंक है उसका जो कॉम्बिनेशन बनाया है इन दोनों शास्त्रात ने, इन दोनों महान लोगों ने, उस कॉम्बिनेशन में बहुत डिफरेंस और उसी की वजह से पूरे रिजल्ट में परिवर्तन आ जाता है। चैलेडियन एक जगह कहते हैं नौ की वाइब्रेशंस को कंसिडर नहीं करना क्योंकि नौ इज कंसिडर्ड टू बी होली नंबर, क्योंकि 9 एक ऐसा डिजिट है जिसमें जो भी डिजिट ऐड करोगे वापस वो वही डिजिट आ जाता है। सो दे कंसीडर दैट 9 इज बिकम एन होली नंबर, सो वी विल नॉट कंसीडर 9 इन दी नंबर न्यूमरोलॉजी इन टर्म्स ऑफ असाइनिंग दी वैल्यूज टू दी अल्फाबेट लेटर्स। तो अल्फाबेट लेटर को जो वैल्यूज असाइन करते हैं उसके अंदर उन्होंने बोला हम 9 नंबर को वैल्यू नहीं देंगे, इसको हम होली नंबर की तरह अलग से रखेंगे, इसको न्यूमरोलॉजी में यूज करेंगे बट इसको वैल्यू नहीं देंगे क्योंकि इसमें जो भी ऐड करेंगे वही नंबर वापस आ जाता है। जैसे 9 में एक ऐड किया 10, 10 का फिर एक बनाया, 10 पे एक और 0 ऐड किया तो एक आ गया, 9 में 2 ऐड किया 11, 11 का फिर एक और एक ऐड किया तो 2 आ गया, 9 में 3 ऐड किया तो 12, 12 का एक और 2 और ऐड किया तो 15 आ गया। तो 9 में जो भी ऐड करेंगे वो वापस वही डिजिट मिल जाता है, सो इज बी कंसीडर्ड एज द होली नंबर। हाउएवर पाइथागोरियन ने ऐसा कुछ फिलॉसफी डिजाइन नहीं किया, उन्होंने बड़ा सिंपल लिया, उन्होंने 1 से लेकर 9 नंबर तक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड को सीरीज में लिख दिया सिंपल। तो यहाँ पे वाइब्रेशंस के अंदर परिवर्तन आ जाता है। पाइथागोरियन की कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं जिसको हम करेंगे, कुछ पॉइंटर्स ऐसे हैं पाइथागोरियन के जो हम करेंगे विच इज वेरी गुड एक्चुअली, सो दोज वी विल टच। हाउएवर हमारा ज्यादा बड़ा कार्य चैलेडियन न्यूमरोलॉजी के ऊपर होगा और लोशुग्रियन न्यूमरोलॉजी के ऊपर हम ज्यादा बड़ा कार्य करेंगे। अब कमिंग टू द स्टोरी ऑफ लोशुग्रिड, अब ऐसा माना गया 4000 वर्ष पहले लोशुग्रिड का मतलब याद हुआ, वो कैसे हुआ कि चाइना के राजा, चाइना के सम्राट जिनका नाम बताया गया कि हंग फूफू हंग हो हंग हो हंग हो हंग हो नामक राजा जो थे उनके,
वो पीली नदी के किनारे कार्य कर रहे थे और ऐसी सिचुएशन थी कि वहां पे फ्लड व्लड उस टाइम पे बहुत आया करते थे, तो उसके संपर्क में वो कुछ कार्य कर रहे थे पीली नदी के किनारे, चाइना में पीली नदी। वहां पे उनको एक टॉर्टोइज मिला, कछुआ मिला, जिस कछुए की पीठ पे कुछ डॉट्स बने हुए थे, वो डॉट को उन्होंने जब कैप्चर किया तो उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि जो डॉट है ये भगवान की कुछ मैजिकल देन है, ये कुछ ऑस्पिशियस है, शुभकामनाएं हैं, और इस शुभकामना को एक्सेप्ट किया जाए। और उन्होंने पूरे चाइना क्षेत्र में, चाइना रीजन में उसका प्रचार किया और उसको एक्सेप्टेंस उसकी दिलवाई कि जो हमें कछुआ मिला और इसकी जो कछुए की जो पीठ है उस पीठ के ऊपर जो चित्र बना है डॉट डॉट्स के रूप के अंदर, ये एक भगवान का दिया गया आशीर्वाद या ऑस्पिशियस माना गया। और उसको उन्होंने फर्दर उसके ऊपर वर्किंग करी और उन्होंने उसके ऊपर वर्किंग करके उसमें ईजाद किया। तो ये एक प्रकार की 3x3 की ग्रिड है, इसके ऊपर हम कार्य करेंगे। जिन लोगों को पता है दे नोज दैट ये 3x3 की ग्रिड है, इसके अंदर नंबर डाले जाते हैं 1 से लेकर 9 तक के। और अच्छी बात यह है उसकी कि कहीं से भी इसका जमा कर ले 3 नंबर को, उसका संयोग 15 आता है, 15 का संयोग 6 आता है, कहीं से भी किसी प्रकार से आड़ा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा लेफ्ट राइट सेंटर जैसे मर्जी उसका योग बनाएंगे उसका संयोग 15। अभी 15 का जो संयोग है वो वैसे हमारे लक्ष्मी यंत्र में भी आता है, तो ये कई बार जगह डिबेटेबल भी आता है कि भाई ये हमारा ही संस्कृति है जिसको और तरीके से रेपिकुलेट किया गया, बट ये डिबेटेबल सब्जेक्ट है तो हमारा वो विषय नहीं, हमारा विषय लर्निंग है, तो वी विल कंटिन्यू विद द लर्निंग। हाउएवर इट इज आल्सो बीन राइट दैट ये योग 15 का जो योग है न्यूमरोलॉजिकल ये हमारे लक्ष्मी यंत्र में भी आता है। कमिंग टू द सब, अभी न्यूमरोलॉजी हमें करनी क्यों चाहिए जब हम एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, जब हम वास्तु कर सकते हैं, तो व्हाई डू वी डू न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी इज वन ऑफ द इजीएस्ट पॉइंट फॉर्म ऑफ द लर्निंग ऑफ द साइंस, जहां से हम बहुत सारी चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल, हम एस्ट्रोलॉजी वास्तु के माध्यम से जब जानेंगे तो हमें काफी ज्यादा ज्ञान अध्ययन करना पड़ता है, जबकि न्यूमरोलॉजी के कम अध्ययन से हम लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस, उनका एटीट्यूड एप्टीट्यूड जान सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के विषय में अंदर की चीजें बाहर आ जाए तो आप समझे आधी से ज्यादा लाइफ के ऊपर हमने विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि सबसे बड़ा टफ जॉब है ये जीवन का कि फाइंडिंग अवर ओन वीकनेस एंड स्ट्रेंथ एंड एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, वन ऑफ द सबसे टफेस्ट एरिया। एंड दिस न्यूमरोलॉजी हेल्प्स वेरी ब्यूटीफुली इन फाइंडिंग दिस कोर एक्टिविटीज ऑफ एनी पर्सन। अपार्ट फ्रॉम इट हमारा लक्की नंबर क्या हो सकता है, अनलक्की प्रोफेशन क्या हो सकता है, कलर क्या हो सकता है, डायरेक्शन क्या हो सकती है, कौन सा प्लान हमारा लक्की है, कौन सा अनलक्की है, सारी चीजें न्यूमरोलॉजी बहुत ईजी तरीके से होती है। न्यूमरोलॉजी हमारे को लोगों के प्रति जब अट्रैक्ट होता है, इंसान एक दूसरे के प्रति वाइब्रेट, हर व्यक्ति की इंसान की अपनी वाइब्रेशन है। आप और यहाँ हम बैठ के इतने सारे लोग कार्य कर रहे हैं, हमारी सबकी अपनी अपनी वाइब्रेशन है, राइट? हमारी वाइब्रेशन सबकी एक दूसरे के साथ मैच, कुछ की कर रही है कुछ की नहीं कर रही, बिकॉज दीज ऑल वाइब्रेशन एक्चुअली कनेक्टिंग इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी टू थिंग्स, वन इज नेम, सेकेंड इज नंबर। क्योंकि आपका जो नाम है और मेरा जो नाम है एक दूसरे के साथ वाइब्रेशन हिट करता है, एंड जब ये वाइब्रेशन हिट करता है तो कनेक्टिविटी बिल्ड करता है, इधर यस और नो, और हमारे साथ अपनी अपने नंबर्स की वाइब्रेशन हमेशा कैरी होती है, सो दैट आल्सो मैच कि हमारा इसीलिए कई बार कई लोगों का जो वाइब्रेशन है बहुत स्ट्रांग मैच होती है, कई बार नहीं होती है। तो न्यूमरोलॉजी वहां पे हमें आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प करता है कि हाउ वी अट्रैक्ट टू द पीपल एंड व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द पीपल टू गेट इजी कनेक्ट। इसके अलावा रिलेशनशिप्स, अंडरस्टैंडिंग में, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज में, कार्मिक डेप्थ का नंबर हम पढ़ेंगे इसको, कार्मिक डेप्थ का नंबर हमें अगर जीवन में मिल जाता है तो हमें ये पता चल जाता है कि ये नंबर कार्मिक डेप्थ है, इज इक्वल टू ये प्लैनेट हमारे कार्मिक डेप्थ पे आ रहा है, हमें इस प्लैनेट को कैसे संभाल के चलना है ताकि हमारे कार्मिक डेप्थ जो आ रहे हैं, क्योंकि इंसान के जीवन में कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो पीछे से आ रहे होते हैं चुनौती के रूप में, वो चुनौती के रूप में जो नंबर आ रहे होते हैं कार्मिक डेप्थ है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम लेके आ रही है उसको, उसको हमें कैसे टैकल करना है, उसे हमें कैसे उसे हमें अपने कार्य में लेके आना है,
ये सारी एक्टिविटीज हमें निम्नोलॉजी हमें बड़े अच्छे तरीके से हमें देखती है. गेटिंग मैरिड टू द राइट पर्सन जिसको हम चाहते हैं, जिससे हम लाइक माइंडेड हो उनसे, अगर नहीं भी हुआ मान लो विपरीत लोगों से मैरिज हो भी गई, हाउ टू बैलेंस इट आउट, अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर. जिंदगी को कैसे बैलेंस करेंगे हम, उन ऑब्स्टेकल से हम कैसे बाहर निकलेंगे. मैरिज कंपेटेबिलिटी इज वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर ऑफ द न्यूमरोलॉजी. लव मैरिज, अरेंज मैरिज, मैरिज कंपेटेबिलिटी, बच्चे, पेरेंट, रिलेशनशिप, इन ऑल टुगेदर रिलेशनशिप इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट प्रोवाइडेड बाय न्यूमरोलॉजी और बहुत इजी तरीके से. अब अगली बात ये आती है, जब न्यूमरोलॉजी की बात आती है तो न्यूमरोलॉजी के अंदर बड़ा कंफ्यूजन आता है कि हम कौन सा नंबर उठाएं, डेट उठाएं, पूरा नंबर उठाएं, योग उठाएं, कैसे उठाएं. तो इसके विभिन्न विभिन्न कॉम्बिनेशन होते हैं, डेट, मंथ, ईयर, तीन चीज होती है मोटा मोटा. तो तीनों चीज के कॉम्बिनेशन बहुत सारे बनते हैं जो हम सारे काफी सारे ऑलमोस्ट कॉम्बिनेशन में कार्य करेंगे. अभी के लिए मोटा मोटा मैं ये बताता हूँ, डेट जो होती है जिसको कई लोग ड्राइवर बोलते हैं, कई लोग साइकिल नंबर बोलते हैं, मूलांक बोलते हैं, प्राइमरी नंबर बोलते हैं, ये अलग अलग शब्दावली है, मतलब सबका एक डेट. एक से लेके 31 तक की डेट एक कैलेंडर में आती है, सुबह डेट कैलेंडर में आती है. तो एक से लेके 31 तक की जो डेट आएगी उसका जो दोनों एक अक्ष एक नंबर या दो नंबर उसका जो सम टोटल होगा वो हमारा ड्राइवर, साइकिल नंबर, मूलांक नंबर, प्राइमरी नंबर, ये होगा. इसको हम करेंगे भी आगे क्लासेस में, कैसे होता है जिनको लोगों को आता वो समझ सकते हैं, जिनको नहीं आता हम करेंगे. बट वॉट इज इंपॉर्टेंट हियर, डेट हमें बताती है कि हम क्या हैं, वॉट वी आर, वट वी आर. आप समझ रहे हैं इस बात को, डेट का योग ये दर्शाएगा कि हम क्या हैं, वट वी आर, यानी कि हम कैसे हैं अपने से अपने लिए, मतलब दूसरों को जब हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो हम कैसे हैं, मतलब हमारा दृष्टिकोण कैसा है, हम कैसे हैं, हमारी अप्रोच कैसी है, हम कैसे कार्य करते हैं, हमारी सोच कैसी है, हमारे में प्रभाव कैसा है, हम क्या हैं, What am I? What am I? What we are? और इसका ये prominently काम करता है हमारे जिंदगी के पहला फेज. न्यूमरोलॉजी के अंदर फेजेस बढ़ जाते हैं, 35 साल तक का एक फेज होता है, 35 साल के बाद का दूसरा फेज होता है. तो नॉर्मली 35 साल के पहले फेज के अंदर पहला फेज बोलते हैं, 35 साल से पहले का. तो न्यूमरोलॉजी का ये वाला फेज में ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है. हम क्या है, while saying this doesn't mean कि 35 साल के बाद बंद हो जाता है, 35 साल के बाद बैक सीट पे चला जाता है, 35 साल से पहले वो फ्रंट सीट पे होता है. ये फर्क होता है हमारी हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, हमारे लिए जरूरी चीजें क्या है जिंदगी की, तो हम क्या है. यहीं पे जो पूरा टोटल होता है अंक का, डेट, मंथ और ईयर का जो सम टोटल बनता है, हम करेंगे जिनको समझ में नहीं आएगी ये बात, हम करेंगे प्रैक्टिकली, उसको बोलते हैं कंडक्टर, भाग्यांक, लाइफ पाथ नंबर, सेकेंडरी नंबर, टैलेंट नंबर, इन डिफरेंट डिफरेंट नामों से संबोधित किया जाता है. मतलब एक ही है, सम टोटल. कंडक्टर, भाग्यांक, लाइफ पाथ, सेकेंडरी नंबर, टैलेंट नंबर, ऑल आर सेम नंबर. इसके अंदर पहले वाले में क्या बोला हमने, हम क्या है, यहां ये बात आती है कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं, यानी कि उनकी नजर में हम क्या है. पहली बारी में तो बात ये थी कि हम अपने आप में कैसे हैं, हमारा थॉट कैसा है, हमारा पैटर्न कैसा है, हमारा पैटर्न कैसा, जो आप सोच, दूसरे हमें किस नजरिए से देख रहे हैं ये दूसरी बात है. तो ये सेकंड नंबर से मिलती है, जो ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन है जो आमतौर पर न्यूमरोलॉजी के अंदर मिसिंग चैप्टर में कई बार आ जाता है, कि पहला नंबर हमें ये दर्शाएगा कि हम क्या है, दूसरा ये दर्शाएगा कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं, दूसरे हमें किस नजरिए से देखते हैं. और ये बहुत प्रोमिनेंटली काम करता है सेकंड फेज ऑफ लाइफ में, यानी कि जब 35 साल की जिंदगी आगे चली आती है 35 साल से, उस समय में बहुत प्रोमिनेंटली काम करता है. और ये जो रहेगा ये हमारे करेक्टरिस्टिक्स को उभार के लाता है, हमारे जिंदगी के तजुर्बे, जो लाइफ के तजुर्बे हमने लिए होते हैं उनको उभार के आगे लाता है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इससे हमारे हमारी जो हमारा जो दायरा या हमारी जो अपनी पहचान बनती है दूसरों की नजर में, वो ये फैक्टर में आती है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आमतौर पर मिसिंग हो जाता है. और हमारी पूरी की पूरी जर्नी के अंदर इस नंबर को लेके काफी काम हम करेंगे, क्योंकि ये बहुत दूसरा हमारे को किस नजरिए से, हम कैसा भी सोचते रहें,
हम ये नहीं सोच पाते आमतौर पर निम्नोलॉजी के परस्पेक्टिव से कि दूसरा हमारे को किस नजरिए से देख रहा है। और ये हमने पकड़ लिया तो हम अपने नजरिए को परिवर्तन कर लेंगे और उससे हमारे बहुत सारे फैक्टर्स आने, क्योंकि हम दूसरे के नजरिए से जब हम देखते हैं तो हमारी जो इमेज बनती है गोल्डन इमेज, वो इमेज है और वो इमेज हमारी हमेशा काम करती है। ये अगले इसकी बात इंपॉर्टेंट चीज आती है। हाँ, निम्नोलॉजी के अंदर लोशो ग्रिड के बारे में मैंने बताया, लोशो ग्रिड हम करेंगे, पूरी लोशो ग्रिड करेंगे। जब लोशो ग्रिड हम करेंगे तो लोशो ग्रिड के जो फैक्टर्स आते हैं वो सारे फैक्टर्स करेंगे। लोशो ग्रिड के हॉरिजॉन्टल प्लेन आते हैं, वर्टिकल प्लेन आते हैं, एरोज आते हैं, पिक एरोज, स्ट्रेंथ के एरोज, वीकनेस के एरोज, साइकी नंबर, डेस्टिनी नंबर, ठीक है, कंपेटेबिलिटी नंबर, 81 कॉम्बिनेशन, रिपीटेटिव नंबर, ठीक, इम्पैक्ट क्या होता है मिसिंग नंबर का, मैरिज कंपेटेबिलिटी क्या होता है, फ्यूचर ट्रेंड क्या होते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, व्हीकल न्यूमरोलॉजी, हाउस न्यूमरोलॉजी, ठीक, रेमेडियल पार्ट, ये सारी एक्टिविटी लोशो ग्रिड में जितनी भी एक्टिविटी की जाती है हम सारी एक्टिविटी लोशो ग्रिड को पूरा कवर करेंगे इस अपनी जर्नी के अंदर। पर कमिंग टू दी अनदर फॉर्म, यहां पर बात करते हैं हम चैलेडियन और पाइथागोरियन। तो चैलेडियन की पहले बात करते हैं, देयर आर फाइव मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं इसी न्यूमरोलॉजी सिस्टम के, पांच मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये पांच कौन से होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स? एक होता है बर्थ डेट का नंबर और लाइफ पाथ का नंबर, जो हमने अभी बात करी। बर्थ डेट के नंबर की जो हैसियत है परसेंटेज में अगर निकालेंगे तो वो 20% आती है, 20%। और लाइफ पाथ नंबर की जो परसेंटेज में आप निकालेंगे, पांच बिल्डिंग ब्लॉक होता है तो पांच चीजें होती है, पांच चीजें मैं आपको बता रहा हूँ किसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी काम करती है। तो पहली है बर्थ डेट और लाइफ पाथ नंबर, बट उनको भी हमने बाइफिकेट कर दिया अलग अलग, कि बर्थ डेट अलग कर दिया या कंडक्टर को अलग कर दिया, लाइफ पाथ को अलग कर दिया, टैलेंट को अलग कर दिया, दो को अलग अलग किया। तो बर्थ डेट का इंपैक्ट हमारी जिंदगी के अंदर 20% जाता है, तो लाइफ पाथ का इंपैक्ट हमारी जिंदगी में 40% आता है। इट्स अ बिग फिगर, ये सारी जिंदगी चलता है और इसको बहुत कम तवज्जो दी जाती है, जबकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके बाद आता है जो हमारा नाम है, उस नाम का पहला अक्षर की अपनी वाइब्रेशन है, वो हमारी जिंदगी में बोला जाता है फर्स्ट नेम नंबर। इसकी 10% हमारे को इसकी वैल्यू हम बिल्डिंग ब्लॉक्स पे कंसिडर करके चलेंगे। अगला आता है एक्सप्रेशन नंबर, जो बैलेंस ऑफ नंबर बच गए उस नंबर से, हमारे नाम में जो नंबर है उन नंबर से निकलेगा, तो एक्सप्रेशन नंबर क्या आएगा। ये सारे नंबर हम कैलकुलेट करेंगे, हर इसकी विधि कैलकुलेट करेंगे, प्रोसेस कैलकुलेट करेंगे और इसकी वैल्यू है 10% मानी गई है। इसके बाद आता है सोल अर्थ नंबर, हमारी अपनी जो सोल है उस सोल को क्या चीज कनेक्ट करती है सबसे ज्यादा। सोल अर्थ नंबर, सोल हमारी अंतरात्मा, हमारा इनर पैशन, हमारा मोटिवेशन अंदर से, हमारी एस्पिरेशन, ड्रीम, ड्रीम कम ट्रू, हमारी सोल की एक्टिवेशन, बर्निंग डिजायर, बर्निंग पैशन अंदर से आप, वो सोल अर्थ, वो सोल अर्थ, वो सोल अर्थ जो है 10% वैल्यू का योगदान देती है। फिर एक आता सीक्रेट सेल्फ नंबर, सीक्रेट सेल्फ नंबर जैसा नाम में ही लिखा है सीक्रेट, तो सीक्रेसी मेंटेन करते हुए चुपचाप से 10% का वैल्यूएशन कर जाती है। इस पूरे को ऐड करते हैं तो 100 नंबर बनते हैं और इन 100 नंबर से नेम न्यूमरोलॉजी को जब रेक्टिफाई करें स्पेलिंग को, अब ब्यूटीफुल आंसर आता है। आज आमतौर पर लोग सिर्फ लोशो ग्रिड से मॉडिफिकेशन कर देते हैं, हाउएवर व्हाइल सेइंग दिस आई एम नॉट डिनाइंग टू डू मॉडिफिकेशन व्हाइल यूजिंग लोशो ग्रिड, बट चेक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर, बिकॉज बिल्डिंग ब्लॉक जैसा एक्सप्लेन किया, इट एक्चुअली चेंज द डायमेंशन ऑफ द न्यूमरोलॉजी, इट एब्सोल्यूट चेंज द डायमेंशन ऑफ न्यूमरोलॉजी। और इन दोनों पैरामीटर को सेट करते हुए, बैलेंस आउट करते हुए अगर किसी नंबर को डिजाइन किया जाए तो उसका जो प्रभाव जिंदगी में आएगा वो बिल्कुल ही डिफरेंट है जो हम प्रैक्टिकली अपनी इस जर्नी में करेंगे।
Now another thing. So coming to the next point of today's class, अगला पॉइंट जो आज की क्लास का आएगा वो आएगा, हम सबको पता है तीन गुण ये वाले, इसके अंदर नर्मदा जी आपका हम ले लेंगे, ठीक है। इसमें जिन जिन ने हैंड रेज कर रखे थे उनका हैंड रेज रखें, जिनका हमने ले लिया था उनको ड्रॉप कर लेंगे। अब जो सेकंड पॉइंट है उसके अंदर भी तीन या चार हम केस स्टडी करेंगे, और उस केस स्टडी के अंदर हम जो रह गए थे उनका ले लेंगे। नर्मदा जी आपका भी उसको ले लेंगे, राइट। तो देर आर तीन गुण, सबको पता सत्व रजस एंड तमस, सबको पता तीन दोष वात पित्त कफ, ये बात भी सबको पता है। इसको हम कैटेगराइजेशन में डिवाइड कर देते हैं, ये टेबल और फॉर्म के अंदर है, बट टेबल और फॉर्म को हम एक्सप्लेन करेंगे, बात करेंगे हम अपनी जर्नी में, बट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। सत्व को हमने पित्त से कनेक्ट किया जो नॉर्मली होता ही है, रजस को हमने वात से कनेक्ट किया, और तमस को हमने कफ से कनेक्ट किया। हमने इसको कैटेगराइजेशन में डिवाइड कर दिया, हमने इसको तीन कैटेगराइजेशन में डिवाइड कर दिया। हमने बोला सत्व को पित्त से कनेक्ट करते हुए धर्म, जिसको एस्ट्रोलॉजी आती है उनको पता होगा धर्म अर्थ काम मोक्ष तीन चार चार ट्राइन होते हैं, राइट, चार ट्राइन होते हैं। यहाँ पे हम तीन ही लेंगे, तो ट्राइन के नंबर भी वाले नहीं है, ट्राइन के नंबर भी डिफरेंट है, कंफ्यूज मत होना। तो सत्व को कैटेगराइज धर्म से किया और पित्त उसका दोष है, रजस को कैटेगराइज हमने अर्थ से किया, अर्थ और वात उसका दोष है, तमस को कैटेगराइज हमने डिजायर से किया और कफ उसका दोष है। इसका मतलब क्या हुआ कैटेगराइज का, धर्म मतलब आइडियलिस्टिक, ऐसा चीज जो आइडियलिस्टिक हो, प्रिंसिपल बेस्ड हो, राइट, वही धर्म होता है, प्रिंसिपल बेस्ड। हाँ ना बोलते रहना, इफ यू आर नॉट एग्री टू मी प्लीज टेल मी, राइट, यस सर। आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल और इन अदर वे मेंटल लेवल। तो धर्म सत्व को करेक्ट पिच से किया और उसका हमने लेवल निकाला मेंटल लेवल, और उसको हमने आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल प्लेन से कनेक्ट किया। अगली बात आती है रजस की, रजस को हमने क्रिएट किया था अर्थ से, बात उसका दोष था, और रजस मतलब मेटलिस्टिक फॉर्म, जीवन की सुख सुविधाएं, रजस जीवन की सुख सुविधाएं, राजसिक जीवन, फिजिकल नीड्स, फिजिकल मतलब मेटलिस्टिक नीड्स, आर्टिकल्स गुड्स लग्जरी शान शौकत राजसिक सुख। तो रजस का मतलब अर्थ, अर्थ को भी वेल्थ से ही देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में, वेल्थ वाला ट्राइंगल अर्थ को जाता है, माया बहुत बढ़िया, माया बहुत बढ़िया। तमस, तमस डिजायर्स, डिजायर कैन बी अ लस्ट, डिजायर कैन बी अ मैनिफेस्टेशन, एंड डिजायर कैन बी अ सॉल्वेशन ऑल्सो, इट्स अ डिजायर, राइट। सो एनीथिंग विच कनेक्ट्स फॉर मैनिफेस्टेशन मोक्ष और लस्ट इज कनेक्टिंग टू तमस डिजायर, और उसका कफ जो है उसका दोष है, कफ जो है उसका दोष है, ठीक है। ये जो है लोअर लेवल है, इधर गो, जब लस्ट की बात आएगी तो इट गोज टू द लोअर लेवल, और जब सालवेशन की बात आएगी तो वो जाएगा शून्य। सबको पता ये बात समझ आती है, बात सालवेशन गोज टू शून्य नलीफाइड, राइट। अब बात आती है कि नंबर्स क्या होंगे, तो हमने यहां बोला यहां पे कोई डेट ऑफ बर्थ का टोटलिंग बोटलिंग नहीं करते हम, सिंपल प्लेन डेट ऑफ बर्थ होते हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा से कॉपी पेन ले रहा हूं, एंड आई एम टेकिंग दी फ्यू डेट ऑफ बर्थ जिनकी पिछली बार नहीं हुए थे, चार लेंगे जिनके स्टार्टिंग के थे, एंड जमी सर आपका कर दिया था, आपका नहीं करेंगे सर, आप रेस्ट करो सर, डोंट टेक प्रेशर। चलो नम्रता जी कर लेंगे सबसे पहले, नम्रता जी आपका डेट बोले, गिव योर डेट ऑफ बर्थ सर। 6/2/1966। चलिए नम्रता जी सबसे पहले आपकी वैल्यूएशन करते हैं, इस पे हम जो हमने एक्टिविटी बोली आपको, आपने बोला 6/2/1966, सो इसके अनुसार 1966
1 by 2 by 2 बाहर सुनो नमता जी, प्राइमरी फैक्टर पे जो सतत रजस और तमस आता है उसमें आपका रजस बहुत हैवी है, और इससे आप ये रिलेट कर सकते हो कि आपके जीवन में रजस का बहुत महत्व है और यू आर रजस बॉर्न पीपल, और आपके जीवन में मेटलिस्टिक चीजें आपको जीवन में पर्याप्त मात्रा में सिस्टम अपने आप क्रिएट करके आपको दिखा रहा है. इज दैट राइट और राइट? फॉलोड बाई प्रिंसिपल, फॉलोड बाई प्रिंसिपल एंड द लास्ट लेवल गोज टू द लेवल जीरो. इज दैट राइट और राइट? मैं कुछ मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, जो क्योंकि पता नहीं आपके हिसाब से मायने नहीं रखती, लेकिन आपको जीवन में मिली है बाय डिफॉल्ट ना, मिल गई है. हाँ, मिल गई है तो आपको अपने डिजाइन में मिल रही है. आप मायने रखोगे नहीं रखोगे वो एक सेपरेट बात आती है, लेकिन आपको जीवन में मिल रही है चीजें. मिल जाती है, ठीक है, आसानी से नहीं तो मिल जाती है, लेकिन मिल जाती है. मेटलिस्टिक चीज आपको मिल जाती है क्योंकि उसका प्लेन पूरा नहीं बना, बट अपने आप पे जो डिजाइन आता है वो देता है. प्राइमरी फैक्टर पे ही चीजें मिल जाती है, सेकंड कंट्रोल फैक्टर सपोर्ट फैक्टर पे तो जा ही नहीं रही है. हाँ हाँ, ठीक. और दूसरी बात ये आती है कि आप प्रिंसिपल इंसान हो, आप कंट्रोल और सपोर्ट से प्रिंसिपल ही हो. प्राइमरी फैक्टर नहीं दे रहा, लेकिन कंट्रोलर और सपोर्टर जो इसके नंबर्स में आते हैं वो प्रिंसिपल आपका आपको रखता है, प्रिंसिपल में रखता है चीजें आपको. और जब आप प्रिंसिपल में रहते हो, जब आप प्रिंसिपल में रहते हो तो चीजें आपके लिए ईज आउट हो जाती है और चलनी शुरू हो जाती है. अब मैनिफेस्टेशन की बात आती है, तो मैनिफेस्टेशन पे प्राइमरी फैक्टर आपका काम कर रहा है लेकिन कंट्रोलर और सपोर्टर काम नहीं कर रहा, तो इसलिए प्राइमरी फैक्टर के माध्यम से आप मैनिफेस्टेशन या मोक्ष के डिजायर के परस्पेक्टिव से आपको थोड़ी सी विघन आती है. प्राइमरी आपको पुश, आपकी लालसा रहती है कि आगे बढ़े. You are always found to be moving ahead, but supporter or controller available नहीं है जो आपको ये push नहीं दे पाते आगे बढ़ने का. You always want to move towards salvation kind of activities, but अटक जाती है. True sir. सिर्फ data बस से किया जाती है. कहाँ से किया है? तीन factor से. और आपके जीवन में बात प्रोमिनेंट जगह रखता है, बात प्रोमिनेंट रहता है. आप जो है बात, मतलब यू आर एन एयर एलिमेंट, आप बातचीत में निपुण हो, बातचीत अच्छी, बातचीत बढ़िया करते हो, काफी कर लेते हो. जहां जैसे जो तो आप अपनी बात को करने कराने में सामर्थ्य हो, एंड यू आर ए पर्सन दैट इन्फ्लुएंस पीपल. अच्छा पता नहीं था मुझे नहीं ये सही है गलत है ये बता दो बस, पता कि तो कोई बात हाँ ठीक है बस इतना सही था फैक्टर. तो ये काम हो रहा है न्यूमरोलॉजी का छोटा सा कार्यकर्ता है, और ये न्यूमरोलॉजी के अंदर अभी तक की न्यूमरोलॉजी में आई एम वेरी श्योर, आई एम नॉट, कितने लोगों को पता होगा कि कनेक्टिंग दिस फैक्टर्स विद सतव रजस तमस तीन दोष वात पित्त कफ और कैटेगराइजेशन धर्म और डिजायर की कैटेगरी में डिवाइड करके अब ग्रिड बना के न्यूमरोलॉजी का 3x3 का इसका ग्रिड बनता है, और 3x3 के ग्रिड से ये वैल्यूज को डाल के कुछ ही नहीं करना, जमा घटा सिर्फ वैल्यूज डालो, गेट द आंसर. सुन अच्छा, कुछ नहीं कर, चलिए ये डेट ऑफ बर्थ से निकला है सिर्फ डेट ऑफ बर्थ किया तो कुछ किया भी हमने, बाकी सारी कहानी तो करेंगे क्लास में. ठीक है अतुल जी. सर लेकिन क्लास ना बहुत लेट हो रही है, नींद आती है मुझे तो उससे. मैं टाइमिंग की वर्किंग कर सकते हैं, वी कैन सी दैट टाइमिंग की वर्किंग जब पड़ेगी तो वी में सी दैट. अतुल जी आपका डेट ऑफ बर्थ बोलो. पिक 3 अक्टूबर. एक मिनट मैं लिख रहा हूँ आपका डेट ऑफ बर्थ, एक मिनट दो आप. अभी बोलो आप. 3 अक्टूबर. 3 अक्टूबर का मतलब 3 10. हाँ 1966. 1966. ठीक है अतुल जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, यू आर वेरी वेरी प्रिंसिपल्ड इंसान.
बड़ी आइडियलिस्टिक हो और उसके वजह से आपको जीवन में अर्थ यानी कि रजस, जीवन में रजस और का सुख भोगने में कमी आती है। और जो इंसान प्रिंसिपल्स का बहुत ज्यादा स्ट्रांग पक्का होता है बिजनेस को चला पाने में तकलीफ पे रहता है आज के युग के अनुसार, और उसको रजस में दिक्कत आती है। रजस मतलब मेटलिस्टिक फॉर्म की चीजों को प्राप्त करने में तकलीफ आती है। और इंट्यूशन लेवल सॉरी डिजायर लेवल बहुत वीक है, आप डिजायर आपके जीवन में रहती है बट प्राप्त करने में कामयाबी नहीं मिलती। सिर्फ नंबर डालो और गेट द सक्सेस, इज दैट राइट और रॉन्ग? राइट सर। और आप पित्त प्रधान आदमी हो, यस और नो? राइट सर। ये नंबर से मिला, चलो दो तो ये, हाँ, तो एक क्वेश्चन है सर, तो हाँ। ये न्यूमरोलॉजी से तो इसमें कुछ चेंजेस मतलब कुछ करते हैं हम नेम में या कैसे नहीं नाम में, तो फिर उसमें उसमें चेंजेस आ सकता है क्या हमारा लाइफ में? बिल्कुल आते हैं, बहुत बढ़िया चेंज आते हैं। अच्छा अच्छा, मैं एक चीज शायद मैंने बताना भूल गया, आचार्य एक वर्ड होता है, आचार्य, ठीक है, जो पहले वाला मैं किया टेम्परामेंट वाला, आचार्य का अंदर आचार्य जो है वर्ड अपने आप में वो क्या वर्ड को संबोधित करता है? माइंड, मेंटल एक्टिविटीज और साथ में इंट्यूशन रखती है, इंट्यूशन रखती है, मतलब पूजा जी ये बात बता रहे हैं, दिमाग की क्षमता और इंट्यूशन की क्षमता आचार्य का, आचार्य के अंदर, राइट। और आचार्य इज एक्चुअली अगर आप डिवाइन सिस्टम से देखो, आचार्य इज नॉट मेंट टू कनेक्ट विद दी, नॉट मेंट टू बी गो टुवर्ड्स दी फिजिकल फॉर्म ऑफ दी मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ज्यादा उसका क्वांटिटी नहीं है। आचार्य की डेफिनेशन के अंदर पी जीरो आता है, प्राइमरी मेंटल आता है, सेकेंडरी इंट्यूशन आता है, थर्ड इमोशन आता है, और इसी से एक आचार्य को कनेक्ट होना चाहिए। दिमाग का काम इंट्यूशन को बिल्ड करे और लोगों से कनेक्ट करे, लोगों की हेल्प करे, इमोशनल को मेंटेन करे, दैट इज कम्स अंडर आचार्य, आचार्य की वैल्यू करा। हमारा अपना गुरु जी ज्ञान के अंदर भी सेम वैल्यूज आती है। नंबर चेंज करने से या नंबर तो उसमें कुछ कंपैटिबिलिटी नंबर लेने से हमें हमारे अनुसार अगर हम कंपैटिबिलिटी, मैंने अगर फाइव बिल्डिंग ब्लॉक्स में रहते न्यूमरोलॉजी के, फाइव बिल्डिंग ब्लॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, राइट, जब मैंने परसेंटेज बताई थी वो फाइव बिल्डिंग ब्लॉक से कनेक्ट करने वाली चीज आ जाए तो न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं। अच्छा, तो आप जो इस पे कोर्स में लेने वाले हैं जो जो भी मतलब टॉपिक्स और वैदिक में आपने जो बताया वो आप इसमें नहीं लेने वाले है, तो मतलब उसमें दोनों में डिफरेंस मतलब क्या रहता है इसमें? वैदिक का, वैदिक अपना, हमारा जो वैदिक सिस्टम है दैट इज प्योर बेस्ड ऑन अवर वैदिक जो हमारे सिद्धांत है उसको बेस्ड है वो, उसमें उसकी ग्रिड अलग है, उसकी कैलकुलेशन के फॉर्मूले अलग है। व्हाइल सेइंग दिस इट डज नॉट मीन कि जो चैलेडियन लोशिक ग्रिड है वो काम नहीं करती, दे आल्सो वर्क वेरी ब्यूटीफुली, बट एक अब जैसे आप एस्ट्रोलॉजी करते हो तो इतनी सारी तरह की एस्ट्रोलॉजी क्यों करते हो, काम तो सारी करती है, हीलिंग करते हो तो इतनी सारी तरह की हीलिंग क्यों करते हो, काम तो सारी करती है। As an octal sign master, we're supposed to know the different ways of doing the activities. So Vedic uska ek bahut acha tarika uska hai. Right, so coming to the next. Aur isme software bhi aata hai kya numerology mein wo work karta hai ya? Numerology ka software kaam karta hai. Numerology ka software we will recommend you. And jaise hum apne sare participant ke liye arrange bhi karte hai, so we will try and get the arrangement for that. Thank you. Coming to that next, Deepa Malhotra ji. Quick, very quick, Reema Malhotra ji. 2nd August, sir. अरे पूरा बोला मैडम, 2nd August नहीं। 1977. 7/2/1977. 77. आपने बोला 2/8.
एक नौ सात सात। मैडम आपका जो इंपॉर्टेंट है, एक आपका कंट्रोल पैनल बड़ा स्ट्रांग है, यू आर अ वेरी कंट्रोल पर्सनैलिटी, एक बात। दूसरी बात, योर डिजायर प्लेन इज वेरी स्ट्रांग, विच डिजायर के अंदर जो डिजायर की मैंने परिभाषा दी थी उसको आप रिलेट कर लो, तो यू हैव दैट डिजायर की दिस थिंग, तो आप उसके अंदर अपनी मैनिफेस्टेशन बड़ी स्ट्रांग है आपकी, यू हैव अ स्ट्रांग मैनिफेस्टेशन विल, राइट। अगर आप प्रैक्टिस करो, यू हैव अ स्ट्रांग पावर वेयर यू कैन मूव टूवर्ड्स इंटरनल ज्ञान, जिसको सॉल्वेशन या मोक्ष की तरफ कहते हैं, दैट यू कैन बिल्ड योर इंट्यूशन। यस, हाउ इज दैट टुडे? अभी अगर मैं आज के संपर्क में बात करूं, कैसी है वो, और कैसा आपका कंट्रोल पैनल है और कैसा आपका डिजायर पैनल है? एवरीथिंग व्हाट यू सेड इज करेक्ट सर, मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करती हूं। और कंट्रोल पैनल कैसा है आपका? कंट्रोल पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है, प्राइमरी नहीं है आपकी इतनी स्ट्रांग, बट कंट्रोल इज वेरी स्ट्रांग। और क्या स्ट्रांग नहीं है सर, सुनाई नहीं पड़ा। प्राइमरी फैक्टर आपके स्ट्रांग नहीं है, विच मींस उसका ये मतलब होता है कि मेटलिस्टिक फॉर्म को जनरेट करने में आपका इंट्रा स्ट्रांग विल काम नहीं कर पाता, राजस आपका बहुत स्ट्रांग नहीं है, अर्थ आपका बहुत स्ट्रांग काम नहीं करता यहाँ पे, बट कंट्रोल है आपकी ट्रू। धर्म धर्म और आइडियलिस्टिक फॉर्म को या सतर्क को आपका कंट्रोल फैक्टर सपोर्ट फैक्टर पुश देता है, डिसिप्लिन मतलब इस यू कैन फील लाइक प्राइमरी फैक्टर मिस है वहां पे, प्राइमरी फैक्टर के मिस होने की वजह से ये कंट्रोल जीवन चलता है, कंट्रोल स्पोर्ट्स चलता है। जो मैंने अगर अतुल जी को जो बोला था प्राइम इस फैक्टर पे, ही इज वेरी आइडियलिस्टिक एंड प्रिंसिपल पर्सन, हाउएवर यू आर अ कंट्रोल पर्सन। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कंट्रोल्ड? इट्स ओके, मतलब आप चलो अगर मैं आसान तरीके से इस बात को बोलूं कि एक होता है बिल्कुल लकीर की फकीर की तरह चलना है, जैसे मुझे जैसे बहुत ज्यादा विकेन उसी लोग या प्रिंसिपल लोग होते हैं कि नहीं ये अगर ऐसा है तो ये ऐसा ही है, दैट्स इट। एंड जो कंट्रोल आदमी होगा वो कहेगा ठीक है यार, प्लस माइनस करके जो ठीक बनता बना के आगे बढ़ता है। एज एंड व्हेन बी अ रोमन इन रोम, एज एंड व्हेन, यस राइट। ये आपको सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ बता देती है, राइट सर। तो इंटरनल ये इंट्यूशन डेवलप करने के लिए मतलब किस ढंग का कोर्सेज या करने चाहिए? अब मैं आपको यहाँ पे ये बताऊं कि आपकी इंट्यूशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे इंट्यूशन की स्पोर्ट के लिए राहु की पावर मिसिंग है, राहु की पावर मिसिंग है, जिसका मतलब ये हुआ ये रेमेडियल पार्ट में आएगा हमारे कि कौन सी पावर हमारे पास आ रही है, उसमें क्या मिसिंग वैल्यू है, उसमें राहु की पावर मिसिंग है आपके पास। जब हम डिजायर को देखते हैं, डिजायर मैनिफेस्टेशन और मोक्ष या लेवल लोअर लेवल को पे भी जाती है डिजायर, तो उसको तीन चीजें कंट्रोल करती है, तीन एलिमेंट कंट्रोल करते हैं, दैट इज चंद्रमा दो नंबर, आठ नंबर, चार नंबर। दो नंबर प्राइमरी फैक्टर आता है, आठ नंबर कंट्रोलर फैक्टर आता है, चार नंबर उसका सपोर्ट फैक्टर आता है। तो आपके पास प्राइमरी है दैट इज चंद्रमा, कंट्रोलर है आपके पास दैट इज शनि, सपोर्ट फैक्टर राहु बनता है चार नंबर से, वो आपका यहाँ पे मिसिंग है। आपके पास अगर वो तीनों नंबर होते, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन पर्सन और ए इंट्यूटिव पर्सन, वेरी स्ट्रॉन्ग। तो उसको आपको यहाँ जनरेट करने की एक्टिविटी करनी पड़ेगी, विच मीन्स कि आपको कुछ एक्टिविटीज ऐसी करनी पड़ेगी जिससे कि आपका राहु यहाँ पे इस फैक्टर के लिए एक्टिवेट हो। राहु अपने आप में बहुत बड़ा इल्यूजन है अपने आप में, तो उसके लिए आपको राहु की एक्टिविटी, जैसे अगर आपने एस्ट्रोलॉजी करी है राइट, यस सर, तो आपको राहु के उपाय पता है राइट, यस सर, दुर्गा, यू स्टार्ट डूइंग दैट, बाकी रेमेडीज हम करेंगे भी क्लास में, बट यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट एंड इट हेल्प्स यू टू बिल्ड अ स्ट्रांग मैनिफेस्टेशन इन योर लाइफ। बिल्कुल सर, इसमें दुर्गा की का पार्ट आएगा ना? कर सकते हैं, उसके अलावा बहुत सारे हैं,
राहुल के लिए। एक लास्ट आशा करते हैं, लास्ट करते हैं आज का। तुलिका जी ने बहुत देर से हैंड रेज किया हुआ, चेतन जी का पूरा नाम नहीं है यहाँ पे, तुलिका शाह पूरा नाम आ रहा है, नवदीप सिंह। हाँ सर, मेरा ये नाम है पूरा एज पर वोटर वोटर कार्ड। फटाफट बता दे अपना डेट ऑफ बर्थ। 2303-1989 23 मार्च 1989 आपने बोला 23 मार्च 1989 करेक्ट। हाँ 1989। सुधिका जी आप बहुत ज्यादा एडलिस्टिक पर्सनालिटी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल वाली इंसान है आपके, मतलब अटूट। हाँ सर, प्रिंसिपल तो है, मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ और बहुत, आपके अंदर पिट फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, पिट फैक्टर आपके बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल पे होता है तो उसको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, तो आपका पिट फैक्टर। हाँ सर, हाँ सर, आता है मुझे गुस्सा ज्यादा। और दिमाग उस समय पे, वैसे आप दिमाग का अच्छा कार्य कर लेते हो, अच्छा दिमाग इस्तेमाल करते हो, लेकिन दिमाग उस समय पे फ्रस्ट्रेटिव होता है जब गुस्सा आता है, जब पिट फैक्टर काम करता है आपका। यस सर। और ये आपके पास सबसे बड़ा एरिया है, बाकी एरिया, बाकी जो तमस का और रजस का एरिया, रजस का एरिया ठीक आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग काम नहीं कर रहा। हाउ एवर डिजायर तमस का एरिया आपका स्ट्रॉन्ग काम करता है, तमस के एरिया के ऊपर आपको आपकी लेवल ऑफ डिजायर मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग है। रजस के एरिया में, अर्थ के एरिया में जब मेटलिस्टिक वर्ल्ड की चीजें आती है, फिजिकल नीड्स की चीजें आती है, फिजिकल प्राप्तियों की चीजें आती है, वहां पे आपका डिजाइन बहुत स्ट्रॉन्ग काम नहीं करता, लेकिन समझ में आपका ठीक काम करता। तो मेटलिस्टिक फॉर्म के अंदर आपको प्राप्तियों के अंदर दिक्कतें आती हैं। यस सर, 100% सर। ये एक क्विक एनालिसिस बाय योर डेटा नवदीप जी, इसमें ये आपके साथ मैच करता है तो लिखा जी जितनी बातें करी हमने। हाँ सर, मैच करता है सर। आप नवदीप जी का कर लीजिए, मुझे थोड़ा क्वेश्चन करना है आपको, आप कर लीजिए उनका। नवदीप जी आप डेट ऑफ बर्थ बोले। 10/3/1969 मंथ बोलो सर। 3 तारीख को हुई, नहीं 10/10/3 दस तारीख तीसरा महीना। हाँ जी 1969 चल आप हीलिंग एक्टिविटी में हो तो आप अपना डेवलपमेंट कर पाते हो अपने प्रयास से, लेकिन डिजायर प्लेन बहुत वीक है, मैनिफेस्टेशन सॉल्वेशन एरिया बहुत वीक है, वहां पे कोई भी अंक नहीं आ रहा। सही बात है, गलत बात है, सही ये एरिया ऑफ कंसर्न बनता है। क्या स्ट्रांग आता है आपका भी, डिसिप्लिन फॉर्म बहुत स्ट्रांग आता है, डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइडियलिस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, सतर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर ए सतर्क पर्सनैलिटी, पित्त आपका दोष बन जाता है उसमें, राइट। और रजस आपका ठीक ठाक है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत ज्यादा काम रजस नहीं कर रहा। फिजिकल मेटलिस्टिक फॉर्म के अंदर जो प्राप्तियां हैं ठीक ठाक है, इट्स ओके है, हाई अचीवमेंट्स नहीं है। वॉट इज रॉन्ग एंड वॉट इज राइट, क्या गलत जो हमने बात करी उनमें क्या गलत और क्या सही है? सब कुछ सही है सर। ये डेट ऑफ बर्थ का क्विक एनालिसिस है। एक लास्ट चैतन्य जी, अरविंद मित्तल जी ने भी कई देर से हाथ खड़ा किया हुआ है, चलिए एक दो ले लेते हैं बस। ये ब्लेस्ड मीरा जी का तो नाम क्लियर नहीं आ रहा, ब्लेस्ड मीरा जी का नाम, चलिए। सर चैतन्य, तो मेरा नाम विजया शर्मा है और वो बच्चे के नाम से आईडी में डेट ऑफ बर्थ बोलो मैडम।
15 जनवरी 1973 बार रिपीट कर रहा हूँ, 15 जनवरी 1973 हाँ। भैया जी आपका आपके केस के अंदर जो मिसिंग एरिया तमस इज अ मिसिंग एरिया, तमस के मिसिंग होने से आप जुनजुन का मैं तमस मिसिंग बोल रहा हूँ ना, उन्होंने वो लोग अपने आप को इस चीज से भी रिलेट कर सकते हैं। देखो एक पीरियड ऑफ टाइम पे, इस बात को हम सारे मेच्योर बैठे हैं यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक पीरियड ऑफ टाइम पे वी विल गेट इनटू द स्टेज ऑफ द मैनिफेस्टिंग थिंग्स गोइंग टूवर्ड्स द जर्नी ऑफ द मोक्ष या सल्वेशन की तरफ हम ऑकल साइंस के थ्रू प्रोसीड करते हैं। हाउएवर व्हाइल सेइंग दिस, डिजायर का एरिया ये तमस का एरिया है, व्हाइल सेइंग दिस इन द यंगर लाइफ रिलेट टू दैट एरिया राइट, उसके अंदर भी कमी आती है, वहां पर उसमें भी हमें कमी आती है, द वे आवर मैनिफेस्टेशन लुक लाइक वो प्राप्तियां नहीं मिल पाती। तो व्हाइल आई एम सेइंग दिस इट तमस के एरिया में आपका जो एरिया है वो वीक एरिया है, तमस इज वेरी वीक, जीरो आया है। अच्छा, सो आप इसको रिलेट करें तमस को, फिर बताएं, और आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया आता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया आपका आता है सतव का, सतव इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया। व्हाइल सेइंग दिस तमस इज योर वीकेस्ट एरिया, यहाँ पे आपको कफ की समस्या, कफ हाँ, जो आपका हाँ, आता है हाँ, सही है सर, ठीक है, कफ की समस्या आपके साथ रहती है। और हाँ, इज दैट जो मैंने बोला डिजायर की दो डेफिनेशन दी मैंने आपको, एक बिफोर यू नो एक यंगर एज और एक जब हम अभी में हैं, तो दोनों में डिजायर हाँ, की मीनिंग चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इज दैट बीन रिलेटिव टू यू और नॉट? हाँ सही बोल रहे हैं आप। तो ये डेफिनेशन हमारे को न्यूमरोलॉजी क्विक देती है, एकदम क्विक देती है ये टेबल। अब न्यूमरोलॉजी को रजस तमस सतव से दोषों से और हमारे जो कैटेगराइजेशन से लिंकिंग प्लेन से लिंकिंग आई थिंक अब तक आपने शायद नहीं किया होगा। नहीं सर, यानी तमस को बढ़ाना चाहिए ऐसा कुछ है क्या? तमस पे आपको कार्य करना चाहिए ताकि आप इसके ऊपर आप अपने जो तमस का एरिया जो जीरो डाउन है उसको बिल्ड कर सकते, उसे कार्य करना चाहिए। कैसे कैसे करेंगे सर? तमस को तीन प्लैनेट रिप्रेजेंट करते हैं, चंद्रमा, प्राइमरी, शनि या राहु। ये तीनों की एक्टिविटीज को मिश्रण आप अगर करेंगे जहां पे जो प्लैनेट का अपना कारक है, मेन कारक ये पकड़ लो आप, पहला कारक चंद्रमा, पानी, इमोशन, मेमोरी, तो यहाँ मेमोरी को पकड़ो, ठीक है, इमोशंस को पकड़ो। दूसरा शनि, शनि का कारक फोकस, डेडिकेशन। तीसरा राहु, राहु इल्यूजन, ठीक, एक उसपे एक पावर भी है अंदर चढ़ाई की। अब इस स्टेज पे आके इंसान को स्टेज के साथ करते हैं कंटेंट, ठीक है, एक स्टेज होती है जब 25-30 साल की जिंदगी होती है वो नहीं छोड़ देते हैं, आज की जिंदगी बात करते हैं, जहाँ पे हमारी एज अगर 40-50 साल की जिंदगी तो उस वाली बात करते हैं। तो आपको आपको अपनी अपने माइंड के ऊपर, चंद्रमा माइंड भी है, माइंड के ऊपर आपको कार्य करना है, अपने फोकस डेडिकेशन साथ राहु एक समाधि के रूप में आपको कार्य करना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा, टिकोगे नहीं तो ये आपकी डिजायर मैनिफेस्टेशन फुलफिलमेंट नहीं आ पाएगी, टिकना पड़ेगा। ओके, तीनों की एक्टिविटी मैंने करके क्लियर करके बताइए, अगर आप ये करोगे तो आपको एक इजली मिल जाएगी। और जो आप नहीं कर पाते, ऐसे लोग मैनिफेस्टेशन के लिए अपनी समाधि या जिसको बोलते हैं मेडिटेशन एक्टिविटी करने में इनको बहुत तकलीफ होती है, जल्दी से इजी नहीं होता है। नहीं सर, मैं बहुत जल्दी अच्छे से कर लेती हूँ मेडिटेशन। तो प्रैक्टिस बढ़ाओ इसकी, यू विल एबल टू अचीव। हाँ, प्रैक्टिस कम है अभी फिलहाल, 4-6 महीने में थोड़ा कम हो गया है, नहीं तो मैं बहुत अच्छे से आदिपुर मेडिटेशन कर सकती हूँ। दैट्स द स्ट्रांग वे टू बिल्ड इट, बाकी उपाय में इतना काम नहीं करेगा, ये सबसे ज्यादा काम करेगा। ओके, मेडिटेशन अगर बढ़ा दूं
तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू थैंक यू।24/10/1964 यस सर, यस 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 राइट। मीरा जी आपका डिजायर लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ 64, आपका डिजायर लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है, सुन लिया मैंने 64। आपका डिजायर लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है, विच इंडिकेट इफ यू डिवाइड द लाइफ इन द टू स्पैन ऑफ द लाइफ, वन इज द यंगर एज एंड नाउ द टुडेज एज, यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर मैनिफेस्टेशन फुलफिलमेंट अचीवमेंट्स, एंड आप जो मैनिफेस्ट करते हो वो फुलफिलमेंट की तरफ चली जाती है लाइफ में। ट्रू सर, एंड दैट गिव्स, अगर आप दोनों जिंदगी देख लो, एक फेज फर्स्ट जो न्यूमरोलॉजी के अनुसार है, फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ इज 35 इयर्स एंड द सेकंड फेज ऑफ लाइफ आफ्टर 35 इयर्स। तो फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ की जो डिजायर रिक्वायरमेंट्स, दैट्स आल्सो गेट कंप्लीशन वेरी इजी, एंड द 35 प्लस की इज अगेन मैनिफेस्टेशन, एंड अपने पे कार्य करना इनर सेल्फ के ऊपर वो आप इजीली कर सकते हो। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या आप कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो आपको करना चाहिए, एंड यू हैव अ गॉड ब्लेसिंग फॉर दैट, यू कैन डू दैट। फैंटास्टिक सर, करेक्ट सर, परफेक्ट, दैट्स हाउ द डेट वर्क्स। सर मेरा राजस तमस कुछ बताइए ना। अच्छा इतना आप सबको दे ना दिया, मेरे को कुछ ना शॉर्ट दिया। बात is a weak area. Okay. Path is the weak area and communications के ऊपर आप ज्यादा ध्यान नहीं देते। You are not a very communicative people. आप बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते communication. ठीक है सर, perfect सर, wonderful सर। सर कुछ उपाय, कुछ मेरा increase करने का कुछ आप कुछ उपाय देंगे क्या? जिस व्यक्ति को डिवाइन ग्रेस के अंदर डिजायर मिली है, यानी कि मैनिफेस्टेशन मोक्ष की एरिया मिला है, उसको उससे ज्यादा क्या चाहिए, उसको तो उसी के अंदर लिप्त होना चाहिए। धीरे धीरे चीज अपने आप बनती जाती है। इट्स वेरी इजी। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस मलाया, थैंक यू। एंड ये पूरी टेक्निक हम सीखेंगे अपनी जर्नी में कि हाउ वी कैन एबल टू अचीव दिस सो इजली। बस जॉब ऑफ 30 सेकेंड्स।